मोटो ब्लॉगिंग के वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ इशू हुआ था, मतलब काफ़ी डिस्टर्ब था मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो आज हम फिर से आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ रहे हैं, दो नए प्रोडक्ट जो हमने लिए हैं। आप सोचते रहेंगे कि यार ये मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, क्या चल क्या रहा है। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा भाई, हमारी कुछ ज़रूरतें की चीज़ें हैं जो हमें ब्लॉगिंग के लिए हेल्प करती है, वही मैं छोटी छोटी चीज़ें ले रहा हूँ, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो मैं आज दो नए प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो गाइज, आप सोचते रहेंगे ये हमारा जो चैनल है ये मोटो लाइफस्टाइल, मतलब दिस इज़ मोर और लेस मोटो ब्लॉगिंग के लिए बनाया था, बट मोटो ब्लॉगिंग के कोई वीडियो नहीं आ रहे हैं। वजह ये है कि कुछ इशू हुआ था, मतलब काफ़ी डिस्टर्ब था मैं। आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, और जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो पुराने थे जिनको मैंने एडिट नहीं किया था, और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बना रहा था। बहुत डीमोटिवेट हो गया था मैं, मतलब लाइफ में अगर आपको धोखा मिले तो कैसा लगता है, मतलब आई रियली फेल्ट इट। मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, अभी नहीं शेयर कर पाऊँगा क्योंकि हाँ कुछ लिमिटेशंस है। सो गाइस, फिर मैंने सोचा कि मैं कितने दिन तक खुद को बेचारा मानूंगा, कितने दिन तक मैं आपसे खुद से दुखी होऊंगा और ये बोलते रहूंगा कि बेटा ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ही उठ के आगे बढ़ना है। ये वीडियो चैनल मैंने इसीलिए चालू किया था कि मुझे मेरा जो 9 to 5 जॉब है उसके अलावा मैं और भी कुछ करूँ, और अपनी कुछ पैशंस है वो पूरे करते रहूँ। जैसे मोटरसाइकिलिंग मेरा पैशन है, और साथ में अगर मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ तो ये मेरा पैशन पूरा करने में कहीं ना कहीं मुझे मदद करेगा। तो अभी मैं उस बेचारेपन से बाहर निकला हूँ, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं पूरे शिद्दत से काम करूँगा, पूरे शिद्दत से वीडियो बनाऊँगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे को सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार जताते रहिए, क्योंकि इस एक महीने में मैं जब वीडियोस नहीं बना रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस भी हुआ कि जो भी अभी 600 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ ये नाइंसाफ़ी है कि मैं वीडियोस कोई नहीं बना रहा हूं, बस खुद ही दुखी रह रहा हूं। तो अभी मैं पूरे जोश से काम करना शुरू करूंगा, वीडियोस बनाते रहूंगा, और बहुत जल्दी मैं किसी राइड पे निकलूंगा, क्योंकि बस हो गया है बेचारापन, बस हुआ है दुखीपन, और इस चीज़ में मुझे आपका पूरी तरह से सपोर्ट लगेगा। तो गाइस, अभी हम शुरू करते हैं आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मैंने दो नए प्रोडक्ट्स लिए हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको ये प्रोडक्ट्स क्या हैं। यूजुअली अनबॉक्सिंग के टाइम पे यूट्यूबर्स अपना मतलब प्रोडक्ट खोल के चेक करते हैं और फिर से अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। आप काफ़ी बार देख चुके होंगे मेरे जो अनबॉक्सिंग होते हैं, रॉ वीडियोस होते हैं, मतलब जो पहली बार मैं वो प्रोडक्ट खोलते रहता हूँ, भले वो 10 दिन 15 दिन मेरे घर पे पड़े रहे, लेकिन मैं उनको खोलता नहीं क्योंकि मैं आपको ना उसका रॉ एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। तो चलो अभी मैं अपना पहला प्रोडक्ट खोलता हूँ और आपको दिखा दूँ एग्जैक्टली इसमें क्या है। गाइस, ये हमारा पहला प्रोडक्ट अमेज़ॉन से आया हुआ है। इसको आके कुछ 6-7 दिन हो गए। ओके, सो गाइस, ये है ट्रेम्स का कैमरा ग्लास। हमारा आईफोन का जो लेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये मंगाया था। इसको खोलता हूँ, आपको बताता हूँ ये कैसा है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये लेंस का कवर है, ये बेसिकली लेंस प्रोटेक्टर है। मैंने आपको पिछले बार बताया था ये वीडियो में, ये जो कैमरा के जो लेंसेस है ना, ये दो, ये इस कवर के ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने ऐसा कुछ चेक किया, तो ये टच हो रहे हैं, मतलब अगर ये गिरता है तो ये लेंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे आपने ये वीडियो देखा है, इसमें जो हमने बैक कवर जो मंगाया था उसका जो लेवल था वो एग्जैक्टली लेंस के लेवल पे था, तो वो प्रोटेक्शन कुछ दे नहीं रहा था। मैंने ये भी कहा था कि ये हम यूज़ नहीं करेंगे, कभी कभार यूज़ करेंगे, बट वो कवर इतना प्यारा है कि मैंने अभी तक वो कवर निकाला नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कवर नहीं निकाल रहे लेकिन लेंस को तो प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, और इसीलिए ये लेंस प्रोटेक्टर लाया है। तो मैं इसको इंस्टॉल करके आपको बताऊँगा ये कैसा है। इसको इंस्टॉल करने के पहले मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो हमने मंगाया है, और वो प्रोडक्ट भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया है। मोस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम अमेज़ॉन, काफ़ी ईजी होता है, कस्टमर सर्विस फ्रेंडली है, आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, और
जब भी कोई दिक्कत आया है तो अमेजोन ने उसे खुशी खुशी उसे रिजॉल्व किया है. तो हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद अमेजोन. नो डाउट मैंने फ्लिपकार्ट से भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और मुझे खास कुछ दिक्कत हुई नहीं है वहाँ पे. बट जो ऑफर्स मुझे अमेजोन पे आते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब कंपैरेटिवली टू फ्लिपकार्ट. मुझे थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं. अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव है खुद का, आपका भी ये खुद का एक्सपीरियंस रहेगा. यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद द पोर्टल्स यू आर शॉपिंग विद. ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको अमेजोन से करना है. तो चलो अभी हम अपना दूसरा प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं. तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट, आप देख सकते हो. इसको भी हमने अभी तक ओपन नहीं किया. मुझे रॉ फुटेज लेना बहुत अच्छा लगता है, मतलब खोलो और फिर से पैक करो और फिर से अनबॉक्स करो, उसमें मज़ा नहीं आता मुझे. अगेन अपना अपना नज़रिया है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है. तो ये मेरी सोच है भाई, ये खुल क्यों नहीं रहा. तो उसके लिए भी हमें कुछ ये वाला पेपर काफ़ी मजबूत है. तो गाइस ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है. दिस इज़ यूनिजन. ये यूनिजन का वायरलेस चार्जर है जो हमने अपने आईफोन के लिए मंगाया है. केबल तो है लेकिन वो बार बार केबल है ना, पोर्ट में आप डालते हो तो पोर्ट ना वो विद टाइम ना वो पोर्ट ख़राब हो जाता है. मतलब आईफोन हो या कोई भी हो, विद टाइम वो पोर्ट ख़राब हो जाता है. तो हमने सोचा कि ये वायरलेस चार्जर मंगाते हैं ताकि फ़ोन तो अपना चलना है काफ़ी दिन तक, लेकिन उसका पोर्ट भी अगर सही रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा. स्पेशली हम जब भी बाहर किधर जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको तो केबल से ही चार्ज करना है, लेकिन ये हमें घर पे काम आएगा. या तो मैं जब भी ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस में चार्ज करता हूँ, वहाँ पे भी ये काम आएगा. और बार बार वो पोर्ट पे प्लग लगाना और निकालना, उससे हम बचेंगे. तो चलो अभी हम इसको खोलते हैं. और थोड़ा ये बॉक्स आप देखोगे थोड़ा डैमेज है, पता नहीं. ओके तो ये सी टाइप केबल है, इसको आप यूएसबी में लगा के ये एंड आपका वो वायरलेस चार्जर में जाता है. तो दिस इज़ द चार्जर. सो गाइस ये चार्जर है, इस पर आपको आपका फ़ोन रखना है चार्ज होने के लिए. इसका आउटपुट जो है वो 15 वॉट्स है, विच इज़ अ गुड इनफ आउटपुट चार्ज करने के लिए. और ये जो प्रोडक्ट है ये आया है यूनिजन से. यूनिजन मैंने इसके लिए मंगाया क्योंकि मैंने मेरे आईफोन के साथ मैंने जो आईफोन वाला चार्जर है वो नहीं खरीदा. टू एक्सपेंसिव मैन फॉर अ चार्जर. पहले तो इतना महंगा फ़ोन में आप चार्जर नहीं देते हो, ऊपर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2000 का चार्जर खरीदे. सॉरी बट आई एम अगेंस्ट दैट कॉन्सेप्ट. तो मैंने यूनिजन का चार्जर लिया और मैं पिछले 2 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा वो सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा मतलब अच्छा खासा पावरफुल चार्जर है, बहुत फास्ट चार्जिंग होता है उससे. तो इसीलिए मैंने यूनिजन का ये फिर से प्रोडक्ट मंगाया. सो दोस्तों अभी हम इस लेंस प्रोटेक्टर को इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन पर. ये हमने नीचे कपड़ा रखा है ताकि इस पर हम फ़ोन रखें. मैं समझता हूँ कि इसको एक स्क्रैच कार्ड लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी तो इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. तो ये वाइप्स है, ये वेट वाइप है जिससे हम पहले इसको एक बार सरफेस को क्लीन करेंगे जहाँ पे ये लगने वाला है. तो इसमें 2 वाइप्स ये हैं, एक वेट वाइप है और ये है इसका ड्राई वाइप. तो हम लोगों ने पहले वेट वाइप से उसको साफ़ किया है, अभी इसको ड्राई वाइप से इसको सुखा देंगे जो भी थोड़ा सा पानी भी नहीं लगा होगा. अच्छी तरह से इसको हमने वाइप किया है. तो अभी बारी आती है इस, अरे माँ कसम, लेंस प्रोटेक्टर की. तो इसको यहाँ से ऐसे निकाल के इसको थोड़ा प्रेस करता हूँ. वैसे तो इसमें बबल्स नहीं आएंगे, ये परफेक्टली बैठ गया.
तो गाइस हमने फ़ोन को बंद कर दिया था ये इंस्टॉल करने के लिए। वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा टू बी ऑन अ सेफर साइड उसको बंद करते हैं, अगर फ़ोन आता है अचानक से तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया था, अभी फिर से स्विच ऑन किया हूँ और ऐसे ही कुछ ये दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अभी इसका कैमरा स्टार्ट करता हूँ ताकि पता चले कि सब कुछ क्लियर है क्या, कोई ग्लेयर आ रहा है क्या। तो कोई ग्लेयर नहीं है, एकदम क्लियर है पिक्चर। तो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सो गाइस ये लेंस प्रोटेक्टर लग चुका है, आप देख सकते हो एकदम फ्लॉलेस लग रहा है, ऐसे लग नहीं रहा है कि कुछ हमने एक्स्ट्रा लगाया है। चलो अच्छी बात है, अभी हम इस पर अपना ये कवर लगा देंगे। सो गाइस हमारा लेंस प्रोटेक्टर लग चुका है, आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा सा ऊपर आया है, तो ये अभी हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करेगा। और मैंने कैमरा चालू करके भी देखा है चेक करने के लिए कि इस लेंस प्रोटेक्टर का कोई ग्लेयर वगैरह आ रहा है क्या, तो कोई ग्लेयर नहीं है, पूरा पिक्चर क्लियर है। तो ये दो प्रोडक्ट है, तो दिस इज़ द लेंस प्रोटेक्टर एंड दिस इज़ द वायरलेस चार्जर। तो गाइस होप सो ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे अगर कोई भी दिक्कत होती है फिर से मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूँगा, आपसे हमें आपको हमेशा वीडियोस बनाते रहूँगा और आपको हमेशा एंटरटेन करते रहूँगा। तो चलो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। तो चलो फिर इसी के साथ आपको हम अलविदा कहते हैं, गुड बाय, जय हिंद।